बेगूसराय में एनआरसी और सीएबी के समर्थन में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और सभी हिंदूवादी संगठन के द्वारा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पटेल चौक से निकलकर नगर निगम चौक होते हुए कैंटीन चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जिला अध्यक्ष गोपाल कुमार ने बताया कि जो कोई भी सरकार राष्ट्रहित की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। मोदी जी के द्वारा लाया गया सीएए बिल के समर्थन में हम लोग जुलूस निकालकर यह संदेश देना चाहते हैं, प्रेम और सद्भावना बनाए रखें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो, किसी को इससे कोई कष्ट नहीं है। कष्ट सिर्फ घुसपैठियों को है जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बेगूसराय टूटे के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। ये जुलूस जो निकाले हैं आज सीएए के समर्थन में, ये जुलूस हमारा है और हमारा जो कोई भी सरकार हो जो राष्ट्रहित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। और ये जो कुर्सी की राजनीति करने वाले हैं उनको देश की विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी के लिए देश में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज के मोदी जी ने सीएए का हम उसका समर्थन करते हैं। मुख्य ब्राह्मण एकता मंच, हिंदू महासभा और जमंगला वाहिनी, हम सभी मिलकर यहाँ जुलूस निकाले हैं ये संदेश देने के लिए कि प्रेम और सद्भावना बनाए रखे देशवासी। मोदी जी पर गलत काम करने ही किए हैं और ना ही वो गलत आदमी है। अगर वो गलत आदमी रहते तो ऐसा सब कुछ नहीं निकलते, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो बिल निकालते हैं तो कोबरा निकलता है और कोबरा देश के जनता को डसता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जनता प्रेम और सद्भावना बना के रखे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो, किसी को इससे कोई कष्ट नहीं है।